क्या आप जानते हैं कि फोरगोन ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी में क्या डिफरेंस होता है? गाइस आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल की मदद से, जिसमें एम्प्लॉई ए जो है वो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव करता है हर महीने की पहली तारीख को। बट इस महीने की सैलरी रिसीव होने से पहले ही वो अपने एम्प्लॉयर को ये बोलता है कि मेरे को इस महीने की सैलरी नहीं चाहिए, आप इस महीने की सैलरी डोनेट कर दीजिए या तो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी ट्रस्ट को। तो इस केस में जो सैलरी एम्प्लॉई रिसीव नहीं कर रहा है बट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये सैलरी उसके लिए तब भी टैक्सेबल होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो इस सैलरी को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट ना करने की बजाय अगर वो ये सरेंडर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस केस में उसकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। तो गाइस क्या आप इन दोनों के बारे में जानते थे? अगर नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।